हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार साथियों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर अपना आसियां बनाने की। तो चलिए, एक मित्र ने कमेंट किया था, वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, इससे जुड़ा हुआ भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ज्यादातर आते हैं फर्स्ट ग्रेड नेट और सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी, तो सेकंड ग्रेड में ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। तो जो साठोत्री कहानी के प्रमुख आंदोलन है, कहानी के जो आंदोलन है उनका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसके साथ में हम कहानी विकास के चरणों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक काल की कहानी 1900 ईस्वी से पूर्व, द्विवेद युग की कहानी 1900 से 1916 तक, प्रेमचंद युग की कहानी 1916 से 1936 तक, और प्रेमचंद होता तो प्रेमचंद के बाद की 1936 से 50, नई कहानी 1950 से 60, और कहानी आंदोलन 1960 से अब तक। इनको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पहले प्रारंभिक, फिर द्विवेद युग आता है, फिर प्रेमचंद युग की कहानी है, फिर प्रेमचंद के बाद की और नई और कहानी आंदोलन। अब जो इसके बाद में 1960 से अब तक की कहानी आंदोलन है, जो भी जितने भी आंदोलन, उन कहानी आंदोलनों के बारे में पूछ लिया जाता है, उनको हम ट्रिक से याद कर लेंगे, क्रम पूछेंगे, सन पूछेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साठोत्री कहानी के प्रमुख आंदोलन, अब देखिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। ए कहानी आंदोलन निर्मल वर्मा, इसके प्रवर्तक है ए कहानी आंदोलन के निर्मल वर्मा 1960 में। सहज कहानी के अमृत राय है प्रवर्तक, और बाद में पुनः इसकी स्थापना सुशील कुमार थे ये 1964 में। सचेतन कहानी महीप सिंह 1964, समकालीन कहानी गंगा प्रसाद विमल 1967-68 में, वहीं समानांतर कहानी या समांतर कहानी कमलेश्वर 1972 में, और सक्रिय कहानी राकेश वत्स प्रवर्तक है इसके 1979। देखती है यहां पर आपको क्या करना है, ए कहानी आंदोलन का ए लेना है, यहां पर सह, यहां पर सचे, यहां पर सम, और यहां पर सम समा और सह। अब देखिए ऐसह सचे सम समास, ऐसह सचे सम समास, देखिए ऐसह सचे, ऐसह सचे सम, और बाद में समास। तो ऐसे हो जाएगा आपके ए कहानी, सह से हो जाएगा आपके सहज कहानी, सचे से हो जाएगा आपके सचेतन कहानी, सम से हो जाएगा समकालीन कहानी, और समास वाले में समास से हो जाएगा समांतर कहानी, और सह से वापस सक्रिय कहानी। तो ये हो गया आपके सूत्र, ऐसह सचे सम, ऐसह सचे सम समास, ऐसह सचे सम समास। कहानी आंदोलनों का क्रम पूछे तो यह क्रम याद रखना, अगर सन का क्रम पूछ ले कब कब इनकी स्थापना हुई तो भी आप यह क्रम याद रखोगे, उस हिसाब से ये पहले 1960 आगे, फिर 1964, फिर भी 1964, फिर 67-68, फिर 72 और फिर 79, ठीक है। एस 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 सचे सम समास, एस एस सचे सम समास, दो तीन बार बोलोगे जितने में याद हो जाएगा। प्रवर्तक देख ले, ए कहानी निर्मल वर्मा, ए कहानी निर्मल वर्मा, सहज कहानी अमृत राय, अमृत सहज, सचे महीप, महीप यानी शिव, सचे कौन है, महीप यानी शिव, समकालीन कहानी गंगा प्रसाद विमल, सम गंगा, गंगा सम, गंगा के समान, समानांतर कहानी कमलेश्वर, समानांतर कहानी कमलेश्वर या समांतर कहानी, सक्रिय आंदोलन राकेश वत्स, सक्रिय कौन है, राकेश, राकेश यानी चंद्रमा जो हमेशा सक्रिय रहता है। इस तरीके से आप साठोत्री कहानी के जो आंदोलन है उनको याद कर सकते हो, अगर इनमें से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो। और कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज है
कोशिश रहेगी कल पूरी डाल दी जाएगी, 4-5 वीडियो जितने भी होंगे कक्षाओं की, और समय रहा तो फिर 10 की भी हम डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों।